हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक एक खूबसूरत से ब्यूटीफुल नेटिंग पैटर्न के साथ आई। कुछ इस तरह से नजर आने वाले पैटर्न हैं, प्यारा सा। ये नेटिंग पैटर्न बेसिकली आप स्वेटर्स में डाल सकते हैं, कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, लेडीज जैम्पर्स में डाल सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है, कुछ इस तरह से लेस पैटर्न है। इसे मैंने एक इंटरनेट पर देखा था, एक रशियन बुक में, और उस बुक में इसका जैम्पर बनाया हुआ था, बहुत खूबसूरत था। तो मैंने सोचा कि चलिए इसे ट्रांसलेट करके मैं आपको दिखाती हूँ, और इसे एक स्टेप बाय स्टेप बना करके दिखाती हूँ कैसे बनेगा। इसे फ्रंट से देखी गई इस तरह से दिखता है, कुछ खूबसूरत सा प्यारा सा पैटर्न। और बैक से ये इस तरह से नजर आता है, उभरा हुआ सा। इसे बनाने में जो मुझे फंदे लगे वो 12 के मल्टीपल में फंदे लगे, प्लस एक एक्स्ट्रा डाला था मैंने इसका फंदा, और साथ ही दो एज के फंदे डाले थे। तो 12 के मल्टीपल में आप फंदे डालें प्लस 3 फंदे एक्स्ट्रा रखें। तो इसमें जो मैंने फंदे ओवरऑल कास्टोन किए हैं वो 4 पैटर्न के कास्टोन किए हैं, और ये टोटल मिला करके 51 फंदे होते हैं मेरे, जो कि 4 कास्टोन के फंदे हैं, 12 के मल्टीपल में 48 प्लस 3 फंदे, से 51 फंदे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये बहुत ही खूबसूरत लगने वाला पैटर्न है। ये किस तरह से दिखता है, उस बुक से मैंने एक फोटो पे क्लिक किया है, और आपको वो मैं अपने थंबनेल पर लगा करके जरूर दिखाती हूँ। इसे स्टार्ट करने के लिए पहला फंदा हम अपना एज का उतारेंगे। यहां से पैटर्न शुरू होता है उल्टे फंदे से। पहला फंदा उल्टा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, मानी जो धागा है उसे हम चढ़ाएंगे, यार्न ओवर करेंगे, और फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे हम सीधे बुनेंगे। इसके बाद ये निट 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ, यहां से 2 फंदों में से निडल डालेंगे और इसे निट 2 टुगेदर करेंगे, कुछ इस तरह से। एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहां पर एक फंदा स्लिप करेंगे, एक नेट करेंगे और इसे पास ओवर कर देंगे। 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और एक यार्न ओवर। इस तरह करते हुए मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। यहां से रिपीट करने वाले हैं, एक नेट उल्टा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, निट 2 टुगेदर करेंगे, 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, निट करेंगे, पास ओवर करेंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे बुनेंगे और एक यार्न ओवर करेंगे और एक यार्न ओवर करेंगे। इस तरह करते हुए सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ। थर्ड दोबारा से देखिएगा, एक उल्टा फंदा, एक यार्न ओवर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, निट 2 टुगेदर, 2 फंदे एक साथ बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, एक यार्न ओवर करेंगे। इस तरह करते हुए ये रो हम कंप्लीट करेंगे। रो की लास्ट में आ गए हैं, आखिरी 2 फंदे बचते हैं। इसमें एक फंदा उल्टा बुनेंगे जो एज के मेंटेन करने के लिए बनाया था, और साथ ही ये हमारा एज वाला फंदा है जो उल्टा बुनने वाला है। सेकेंड रो में जो फंदे जैसे नजर आते हैं उन्हें हम वैसा बुनेंगे। देखिए, पहला फंदा सीधा नजर आ रहा है, उसे सीधा बुनेंगे, बाकी के फंदे हमारे उल्टे नजर आ रहे हैं, 10 हम उल्टे उल्टा बुनेंगे, 10 जितने फंदे उल्टे नजर आएंगे, देखिए 4 5 6 7 8 9 और 1 10, और ये फंदा हमारा फिर सीधा। इस तरह करते हुए ये लाइन कंप्लीट कीजिए।
रो सेकंड कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको सिर्फ आगे वाली रो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो पीछे वाली रो है उसमें जैसे फंदे जो नजर आएंगे उसे वैसा बुनेगा। थर्ड रो है, पहला फंदा एच का उतारा, सेकंड फंदा हम उल्टा बुनेंगे, थर्ड फंदा अगेन उल्टा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और एक दो, फिर ये निट टू टुगेदर इस तरह से दो फंदों का एक करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, ये एक स्लिप करेंगे, निट करेंगे, पास ओवर करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक और एक दो, यार्न ओवर और एक फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। आप दोबारा से देखिएगा, एक फंदा जो हमारा पहला उल्टा था उल्टा, दूसरा फंदा भी उल्टा, फिर यार्न ओवर, दो फंदे हमारे सीधे, निट टू टुगेदर, दो फंदे एक साथ, एक फंदा सीधा, एक स्लिप, नेट, पास ओवर, दो फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, एक फंदा उल्टा। यहाँ पैटर्न रिपीट कंप्लीट होता है। अरे एज के आखिरी वाले हैं और ये जो हमारा फंदा है एज का आखिरी। इसके बाद थर्ड रो में जो फंदे जैसे नजर आते हैं उन्हें वैसा बुनेंगे। मेरी फोर्थ रो कंप्लीट होने वाली है, एज का फंदा आखिरी। फोर्थ रो कंप्लीट करने के बाद रो फिफ्थ कुछ इस तरह करेंगे, पहला फंदा हमारा एज का उतारेंगे, दो फंदे उल्टे बुनेंगे, एक और दो, चार फंदे सीधे बुनने वाले हैं, एक दो तीन चार, एक यार्न ओवर, ये दो फंदे एक साथ टू टुगेदर, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और एक फंदा उल्टा। यहां ये रिपीट कंप्लीट हुआ है। इसे दोबारा से देखिए, दो फंदे उल्टे, एक दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, ये दो फंदे निट टू टुगेदर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक फंदा उल्टा। ये रिपीट कंप्लीट हुआ है। अगेन देखिए, दो फंदे उल्टे, चार फंदे सीधे, दो तीन चार फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, निट टू टुगेदर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन और ये आखिरी फंदा इस पैटर्न का उल्टा। ये आखिरी पैटर्न है हमारा इस रो का। वो देखिएगा, तीन फंदे हम दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन चार, यार्न ओवर, निट टू टुगेदर, तीन फंदे सीधे, एक तो तीन, एक फंदा उल्टा। ये एज को मेंटेन करने के लिए जो बनाया था वो फंदा उल्टा, और ये हमारा एज, एक पैटर्न को मेंटेन करने के लिए उल्टा है और एक एज का है। ये हमारी रो फिफ्थ कंप्लीट हो गई है। सिक्स में जो फंदे जैसे नजर आ रहे हैं उन्हें वैसा बुनेंगे। ये मेरी सिक्स रो कंप्लीट हो गई है। सेवेंथ रो कुछ इस तरह से बुनेंगे, पहला फंदा हम एच का उतारेंगे, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक दो, एक फंदा सीधा, यहां निट टू टुगेदर, ये दो फंदों का एक करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, एक सीधा बुनेंगे और एक यार्न ओवर करेंगे, उसके बाद एक सीधा बुनेंगे, और ये जो दो फंदे नजर आ रहे हैं उन्हें एक
स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे और एक उल्टा बनेंगे। ये हमारा पहला रिपीट कंप्लीट हुआ है। इसे दोबारा से देखिएगा, दो फंदे हम उल्टे बुनेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, ये नेट टू टुगेदर करेंगे, दो फंदों को एक करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे सीधा बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे सीधा बुनेंगे, ये फिर दो फंदे जो हैं उन्हें एक स्लिप करेंगे, नेट करेंगे, पास ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे और ये आखिरी फंदा हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह करते हुए हम ये रिपीट कंप्लीट किया है। थर्ड रिपीट देखिएगा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, नेट टू टुगेदर, एक फंदा सीधा, यार्न ओवर सीधा, यार्न ओवर सीधा, स्लिप, नेट, पास ओवर, एक फंदा सीधा और ये आखिरी इस फंदा उल्टा। थर्ड रिपीट कंप्लीट हुआ है। अगेन देखेंगे फोर्थ, दो फंदे उल्टे, एक नेट, टू टुगेदर, एक नेट, यार्न ओवर, एक नेट, यार्न ओवर, एक नेट, स्लिप, नेट, पास ओवर, एक नेट, एक फंदा आखिरी जो हमारा उल्टा है। पैटर्न मेंटेन करने वाला फंदे दो बच्चे हमारे, एक उल्टा बुनेंगे और एच का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए ये मेरी सेवेंथ रो कंप्लीट हुई है। एट्थ में जो फंदे जैसे उन्हें वैसा बुनेंगे। एट्थ रो कंप्लीट हो चुकी है मेरी। बैक रो जो फंदे जैसे थे वैसे बनाए हैं, इस तरह से पैटर्न है। नाइन्थ रो में हमारा पहला फंदा कुछ इस तरह से है। पहला एच का फंदा हम उतारेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, यहां पर ये निट टू टुगेदर, दो फंदे एक साथ, निट टू टुगेदर करेंगे, फिर हमारे दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन, एक यार्न ओवर, दो फंदे सीधे और ये एक स्लिप, नेट एंड पास ओवर, ये इसका आखिरी हमारे पैटर्न का हिस्सा है। दोबारा से देखिएगा, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, नेट टू टुगेदर करेंगे, दो फंदे एक साथ बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, यार्न ओवर करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, अगेन यार्न ओवर करेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, दो ये स्लिप करेंगे, ये नेट करेंगे और इसे पास ओवर करेंगे। ये हमारा सेकंड रिपीट कंप्लीट हुआ है। थर्ड रिपीट देखिएगा, एक फंदा उल्टा, नेट टू टुगेदर, दो फंदे सीधे, एक यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे, अगेन यार्न ओवर, दो फंदे सीधे, ये स्लिप, नेट एंड पास ओवर। थर्ड रिपीट कंप्लीट हुआ है। फोर्थ कुछ इस तरह से, एक फंदा उल्टा, नेट टू टुगेदर, दो फंदे एक साथ, दो उल्टे ओ दो सीधे, एक यार्न ओवर, तीन सीधे, अगेन यार्न ओवर, दो फंदे सीधे, एक स्लिप, नेट और पास ओवर। ये मेंटेन करने के लिए लास्ट के हमेशा की तरह दो फंदे, इसमें से एक उल्टा बुनेंगे और ये एच का है इसे उल्टा बुनेंगे। ये मेरी रो नाइन्थ कंप्लीट हुई है। टेंथ रो जो फंदे जैसे हैं वैसे। रो मेरी टेंथ कंप्लीट हो गई। इलेवेंथ रो कुछ इस तरह से है। इसे स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा एच का उतारेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे, इसके बाद चार फंदे हम सीधे बुनने वाले हैं, एक दो तीन चार, चार फंदे सीधे बुने। ये हम जो फंदे बुनेंगे ये है निट टू टुगेदर, ये दो फंदे एक साथ मिलाते हुए निट टू टुगेदर, देन यार्न ओवर, स्लिप, नेट एंड पास ओवर,
अगेन यार्न ओवर, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ है। दोबारा से देखिएगा, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार। ये निट टू टुगेदर, ये दो फंदे एक साथ, यार्न ओवर, स्लिप नेट, पास ओवर, अगेन यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये सेकेंड पैटर्न का हिस्सा कंप्लीट हुआ है। थर्ड देखिएगा, कुछ इस तरह से है, एक नेट, शुरू वैसे कर रहे हैं, चार फंदे सीधे, एक दो तीन चार, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर, स्लिप नेट एंड पास ओवर, यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे। थर्ड रिपीट कंप्लीट हुआ है। फोर्थ कुछ इस तरह, एक फंदा उल्टा, चार फंदे सीधे, तीन चार, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर, स्लिप नेट एंड पास ओवर, यार्न ओवर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये हमारे आखिरी के दो फंदे हैं जिसमें से हमें उल्टे बुनने हैं, एक फंदा पैटर्न का उल्टा और एक हमारा एच का उल्टा। ये 11th रो कंप्लीट हुई है। 12th रो में जो फंदे जैसे हैं उन्हें वैसा बुने। ये मेरी 12th रो कंप्लीट हुई है। अब तक पैटर्न कुछ इस तरह से नजर आने लगा है, देखिएगा कुछ इस तरह से। 12th रो कंप्लीट होने के बाद 13th रो कुछ इस तरह से, पहला फंदा एज का उतारने वाले हैं, एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। ये जो दो फंदे हैं इसे नेट टू टुगेदर करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, एक नेट करेंगे, एक यार्न ओवर करेंगे, इसे करेंगे स्लिप नेट एंड पास ओवर, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। ये मेरी रो 13th का पहला पैटर्न कंप्लीट हुआ। दोबारा देखेगा, एक फंदा उल्टा, चार तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर नेट, यार्न ओवर, स्लिप नेट, पास ओवर और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। इसका ये पैटर्न का सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ पैटर्न। थर्ड शुरू करते हैं, एक उल्टा, तीन सीधे, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर नेट, यार्न ओवर, स्लिप नेट एंड पास ओवर, तीन फंदे सीधे। इस लाइन का ये आखिरी पैटर्न है। देखिएगा, एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, नेट टू टुगेदर, दो फंदे एक साथ बुन लेंगे, नेट टू टुगेदर, यार्न ओवर नेट, यार्न ओवर नेट, स्लिप स्लिप नेट एंड पास ओवर, दो तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा और एक एच का उल्टा। ये रो 13th कंप्लीट हुई। 14th अपने आप से, ये रो 14th कंप्लीट हो गई है। 15th सेकेंड लास्ट रो है इसकी, वो देखिएगा कुछ इस तरह से बुनेंगे, एक फंदा एच का उतारेंगे, सेकेंड फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो, एक यार्न ओवर, एक नेट। अब ये जो तीन फंदे हैं उन्हें सेंट्रल डिक्रीज करेंगे, माने तीन का एक करेंगे कुछ इस तरह से, सेंट्रल डिक्रीज करेंगे, फिर एक यार्न ओवर करेंगे और ये जो दो फंदे हमारे नजर आ रहे हैं इन्हें नेट टू टुगेदर करेंगे, एक सीधा बुनेंगे,
और एक यान ओवर करेंगे, उसके बाद दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह कर दो, ये मेरी रिपीट के पहला पैटर्न का जो रिपीट है वो कंप्लीट हुआ। दोबारा से शुरू करते हैं। ये देखिए, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक यान ओवर, इनका तीन का एक करेंगे, फिर एक यान ओवर करेंगे, इन्हें डबल दो का एक करेंगे, फिर एक यान दो का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक यान ओवर करेंगे और फिर दो फंदे सीधे बुनेंगे। इस तरह करते हुए इस लाइन का सेकंड रिपीट शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक फंदा सीधा, दो फंदा सीधा, यान ओवर, एक नेट। अब ये तीन फंदों का एक, फिर एक यान ओवर और ये दो फंदे एक साथ, निट टू टुगेदर, फिर एक यान ओवर और निट टू टुगेदर, एक सीधा, यान ओवर और दो फंदे सीधे। इसे देखिएगा, थर्ड है, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक यान ओवर, एक नेट, तीन का एक, यान ओवर, निट टू टुगेदर, एक फंदा सीधा, यान ओवर और दो फंदे सीधे। इसका आखिरी रिपीट है कुछ इस तरह से है, एक फंदा उल्टा, दो फंदे सीधे, एक यान ओवर, एक सीधा, तीन का एक, एक यान ओवर, नेट टू टुगेदर, एक नेट, एक यान ओवर, दो नेट। ये आखिरी के दो फंदे हैं, एक उल्टा और एच का फंदा उल्टा। इस तरह करते हुए कंप्लीट हुई है मेरी 15th रो, 16th में सारे फंदे उल्टे। ये इस तरह से दिखने वाला खूबसूरत पैटर्न है, कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। और अब शायद थोड़ा और अच्छा नजर आएगा नीचे का स्पेस बदल जाने से, इस तरह से खूबसूरत से नजर आने वाला पैटर्न। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।